अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है इफ्तार स्पेशल शीर खुरमा, जिसको बनाने के लिए हमने एक पैन में एक बड़ा चम्मच घी लिया है और अब हमें इस घी में अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं और मैंने इनको चॉप किया था। अगर आप यहाँ पे रेजन्स किशमिश को ऐड करना चाहेंगे तो आप उन्हें रोस्ट मत कीजिएगा वरना वो जल जाएंगे। रेजन्स यानी किशमिश बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप उन्हें ऐसे ही यूज़ कीजिएगा बिना रोस्ट किए ही। ड्राई फ्रूट्स को हमें मीडियम हीट पे ही रोस्ट करना है, ना कि हाई हीट पे। ये प्रोसेस करने में आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, मुझे भी यहाँ पे 2 मिनट लगे हैं। पैन में से हमने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच घी का। अब हमें इस पैन में ऐड करनी है वर्मिसली या सिवैया जिसको हम कहते हैं, और अब हम इन वर्मिसली को अच्छे से रोस्ट करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप वो ये है कि आप गैस की फ्लेम को गलती से भी हाई या मीडियम ना कीजिएगा वरना ये जो सारी सिवैया वर्मिसली है ये जल जाएंगी। आपको इन वर्मिसली सिवैयों को तसल्ली के साथ अच्छे से विद पेशेंस रोस्ट करना है। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और रमज़ान में तो इसे खाना सभी पसंद करते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख लीजिए आप, ये वर्मिसली जो है ये पहले किस कलर की थी और अब थोड़ी सी ब्राउन होने लगी है। इस पॉइंट पे अब हमें गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इन सिवैयों को डिश आउट करना है वरना ये जो पैन है ये गर्म हो सकता है और आपकी सिवैया फर्दर कुक हो सकती है जिसकी वजह से ये वर्मिसली जल भी सकती है। अब हम एक हाई बॉटम पॉट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा मग दूध का। आप दूध की क्वांटिटी को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना शीर खुरमा बनाना होगा। और अच्छी खुशबू के लिए मैंने यहाँ पे 4 इलायची ऐड की है ग्रीन कार्डमम। अब हमें दूध में एक बॉयल आने तक का इंतजार करना है। अगर आपको लगे कि आपके पॉट का जो बॉटम है वो थिन है, पतला है, तो आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही एडजस्ट कर सकते हैं। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, नारियल पाउडर। इससे शीर खुरमे का जो टेस्ट है वो डबल एनहांस होता है। और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे 4-5 चम्मच कंडेंस मिल्क। यहाँ पे हमने अपनी गैस की फ्लेम हाई रखी है क्योंकि हमने हाई बॉटम पॉट लिया था। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हमें गैस की फ्लेम का इसलिए ख्याल रखना है क्योंकि दूध में जो हमने कंडेंस मिल्क, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और दूध भी फुल फैट मिल्क था, ये चिपक सकता है आसानी से। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे दूध के साथ। और अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए हैं कुछ पम्पकिन सीड्स। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है मगर हमें पसंद है पम्पकिन सीड्स शीर खुरमे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब हमें दूध को कुछ मिनट्स के लिए अच्छे से चलाते रहना है ताकि इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है दूध के साथ। मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क ऐड करने से हमारे शीर खुरमे का जो टेक्सचर है वो काफ़ी एनहांस होता है और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपके पास दोनों में से एक चीज़ अवेलेबल हो आप एक ही डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड सिवैया वर्मिसली। अब हमें इन वर्मिसली सिवैयों को या जिसको हम लोकली में सेमली कहते हैं इनको अच्छे से पकाना है दूध के साथ। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हैं ये जो सिवैया है, ये दूध है, ये कितना क्रीमी और रिच लग रहा है।
अब हमें सिवैयों को कंटिन्यूसली पकाना है जब तक ना इसकी क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाए और ये जो सिवैया है वो थोड़ी सी फूल जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, चीनी अपने हिसाब से। आप यहाँ पे चीनी को टेस्ट करके ही ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है जो कि काफ़ी स्वीट होता है, इसलिए आप पहले चेक करेंगे। अब हम शीर खुरमे को अच्छे से कुक करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक ना इस शीर खुरमे का जो ये सारा दूध है ये एब्जॉर्ब हो जाए। दस से 12 मिनट हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं शीर खुरमे का जो दूध है वो कितना रिड्यूस हो चुका है। और इसको पकने देंगे फिर से 2 से 3 मिनट तक ऑन हाई टू मीडियम हीट। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। फाइनली हमारा शीर खुरमा रेडी है सर्व होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।